पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। इमरान खान अपने बेतु के बयानों के लिए मशहूर हैं। सत्ता हाथ से जाने का सदमा इमरान खान को ऐसा लगा कि उन्होंने अब ये तक बोल दिया है कि पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि कुछ लोग उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है और इमरान खान फिर से कौन सी साजिश रच रहे हैं, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। वो सिर्फ कश्मीर का रोना रोते रहे। उन्होंने दुनिया भर में कश्मीर को लेकर एजेंडा चलाया, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। इमरान खान के राज में पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया, देश कर्ज में डूब गया। लेकिन वो अब भी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ वो ही बचा सकते थे। इमरान खान इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने अब यहां तक बोल दिया कि पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ा देना चाहिए। इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चोरों को सत्ता सौंपने से तो अच्छा यह होगा कि पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए। इमरान खान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। इमरान ने कहा कि उन्होंने उन लोगों के नंबर को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में आम चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती, वो उन लोगों से बात नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ इमरान खान ही बता सकते हैं कि कौन लोग उन्हें फोन कर रहे हैं। बहरहाल जब से इमरान खान की कुर्सी गई है, वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं जो मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकें। इमरान खान ने अपनी सत्ता जाते देख अमेरिका को खूब कोसा, लेकिन भारत की जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी सेना को तो वो और उनके समर्थक दुनिया भर में अब गालियां दे रहे हैं। इमरान खान ने एक बड़ी चाल के तहत ही अमेरिका को कोसा और भारत की तारीफ की। इमरान खान के यही बयान मौजूदा सरकार को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। इमरान खान लगातार जलसे कर रहे हैं, टीवी और अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं। हर रोज इमरान खान का एक ऐसा बयान आ जाता है जिससे पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो जाता है। इमरान खान का सिर्फ एक ही मकसद है कि सत्ता में किसी भी तरह से वापस आया जाए। इसके लिए तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना में भी दरार डाल दी है। इमरान खान भले ही अब ये बोल रहे हो कि मौजूदा सरकार से तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो भी किसी परमाणु हमले से कम नहीं था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.